हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेटा। टुडेज टॉपिक इज़ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, और हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 64। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए हैं वो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें बेटा। कह रहा है ABC पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो गिवन है। क्रेडिटर्स दे रखे हैं और रिज़र्व तो हमारा कैपिटल्स में आता है क्योंकि इसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं। और ये हमें बैलेंस ब्रॉड डाउन गिवन है, ठीक है। बिल्डिंग्स, पेटेंट्स, वो प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एट बैंक, ये सारी चीज़ें हमारी किस में जाती हैं? रीवैल्यूएशन। एसेट्स और लाइबिलिटी का हमेशा रीवैल्यूएशन होता है। बट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मेरे एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज होगी। इसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे। और जब भी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करेंगे तो कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होती है तो वो डेबिट होती है, ठीक है। रिजर्व बटेगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी। हमारा रिजर्व है, अब हम उसे अपनी कैपिटल्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। और इसकी एंट्री क्या होगी? क्योंकि एक्सपेंसिस है, कैपिटल कम होगी, ABC टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कह रहा है ये 30 सितंबर को इसकी डेथ हुई है और उनका न्यू रेशो दे दिया। अब देखो ध्यान से, जो न्यू रेशो है ना हमारा, जब भी गिवन होगा तो सिर्फ दो चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो गुडविल वैल्यूड वाली, जो भी न्यू गुडविल होगी उस पर इम्पैक्ट होगा। किसका? न्यू रेशो में, क्योंकि गेनिंग रेशो में बढ़ती है ये। किस में बढ़ती है गुडविल? गेनिंग रेशो में। दूसरा, अगर करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। कौन? प्रॉफिट। तो इसके दो ट्रांजेक्शन थे ना, जब न्यू रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो P&L सस्पेंस आ जाता था। दो ट्रांजेक्शन्स होती हैं अगर प्रॉफिट को बांटना है, और को न्यू रेशो गिवन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट न्यू रेशो, तो P&L सस्पेंस टू जिसकी भी डेथ है, डिसीज पार्टनर, ठीक है। मतलब मान लो इसमें ए की डेथ है तो यहाँ टू एज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और अगर रेशो गिवन है तो यहाँ पर P&L सस्पेंस ना आके जो भी गेनिंग पार्टनर्स हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, और टू जो भी जा रहा होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे ए की डेथ हुई तो यहाँ पर एज कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे होता था। तो अब हमें ये पता लग गया गेनिंग रेशो कहाँ कहाँ काम आता है, दो जगह। एक तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमेशा गेनिंग रेशो में होगा। दूसरी बात, अगर पार्टनर्स का नया रेशो गिवन है तो प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन कौन से रेशो में होगा? गेनिंग रेशो में। हमें ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। और सारी चीज़ें ना ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर लेते हैं, और किसी भी ट्रांजेक्शन में गेनिंग रेशियो की नीड नहीं होती है, याद रखना आप लोग। और अगर मैं रिटायरमेंट तक बात करूं तो सिर्फ गुडविल में, और एडमिशन में भी सिर्फ गुडविल में। किसकी ज़रूरत होती है? एडमिशन में हमें गुडविल में होती है सेक्रीफाइजिंग रेशियो की, और रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो की, सिर्फ गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अगर डेथ की बात है तो प्रॉफिट के लिए भी हमें गेनिंग रेशियो, अगर न्यू रेशियो गिवन है तो गेनिंग में बटेगा, ठीक है, याद रखना। मतलब जो गेनिंग पार्टनर हैं वो प्रॉफिट का शेयर दे देंगे कौन से? डिक्रीज पार्टनर को, जो जा रहा है, जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है। चलो ओके। अब कह रहे हैं कि डिसीज पार्टनर वर एंटाइल टू, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, सारा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। अमाउंट स्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है आप लोगों को, तो उसकी कैपिटल कौन सी है? ए की डेथ हुई है, 24,000 का 12% कर लोगे, और क्योंकि सितंबर में उसकी डेथ है तो सितंबर तक उसका इंटरेस्ट चार्ज होगा 6 मंथ का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज होती है, इसलिए कौन से अकाउंट में जाता है? कैपिटल अकाउंट में। कह रहा है शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर 3 ईयर का पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, फिर 4 × 4 कर दोगे, गुडविल आ जाएगी, गुडविल में उसका शेयर कैलकुलेट कर लोगे, क्लियर हो गया। लेकिन अब गुडविल का ट्रीटमेंट कौन से रेशो में करना है? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो, तो जो गेन कर रहा होंगे दोनों पार्टनर वो डेबिट, और जो जा रहा है वो तो हमेशा सेक्रीफाइस करेगा, वो क्रेडिट, ठीक है, करेंगे अभी आगे। उसके बाद क्या कह रहा है? ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट, किसके बेसिस पे? प्रॉफिट के बेसिस पर। कह रहा है द शेयर ऑफ प्रॉफिट
प्रॉफिट का भी बता दिया, तो मैंने कहा दो चीज़ों में ही अगर नया रेशो दे रखा है तो गेनिंग में ही बटेगा। कह रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द डेट फाइनेंशियल ईयर ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट है कितना 7000। देखो ये 18, 19, 20 लास्ट ईयर 20 होगा तो 7000 का उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे पहले हम, और फिर उसका शेयर उसको दे देंगे। और कौन देगा, क्योंकि न्यू रेशो दे रखा है इसलिए गेनिंग रेशो में क्या एंट्री होगी, एज कैपिटल वो सॉरी बीज कैपिटल अकाउंट सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, जो भी उसका शेयर आएगा। और क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट कह रहा है लास्ट ईयर के बेस पे लेना है, तो इसलिए सिर्फ 7000 में ही उसका शेयर देंगे हम। इसका मतलब हम यही एज्यूम करेंगे इसमें उसको पहले ही शेयर मिल चुका है, ठीक है। अगर ये कहते थे लास्ट टू ईयर्स के बेसिस पे तो दो ईयर ले लेते लास्ट थ्री ईयर्स के, लेकिन उसने क्लियर बोला है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे उसको प्रॉफिट देना है, ठीक है। तो प्रॉफिट उसको मिलेगा इसलिए उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। और क्योंकि कौन देगा, गेनिंग दे दिया इसलिए बी और सी देंगे, वरना यहाँ पर पी एंड एल सस्पेंस टू एज कैपिटल होता अगर नया रेशो नहीं होता तो। चलो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इसमें डायरेक्ट क्या कह रहा था, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। तो ये हम वर्किंग नोट के लिए मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है, और यहाँ पर बनाना है हमें क्या, एज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो हम बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है ए वाला 24,000 रुपीज़। उसके बाद जो भी है पहले बैलेंस शीट वाला राइट ऑफ कर लो, जनरल रिजर्व है बाय जनरल, आप रिजर्व है तो रिजर्व ही लिख लो, मैंने बाय मतलब गलती से लिख दिया जनरल रिजर्व, लेकिन रिजर्व भी करेक्ट है। 24,000 में उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, उसका शेयर है कितना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो जितनी भी ये बैलेंस शीट में गिवन होती हैं ये सारी चीज़ें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में जाती हैं, इसलिए यहाँ पर गेनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेनिंग कहाँ ज़रूरत होगी, सिर्फ गुडविल में और प्रॉफिट में। तो उसका शेयर है 5/10 12,000 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, कितना था बेटा हमारा 6,000 तो था ही, 12,000 कैसे आ जाएगा, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, 10, 6,000 है यहाँ पर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 से 10, 3,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,000, क्लियर। उसके बाद क्या कह रहे हैं हमसे, नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की वजह से उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ए बी सी टू एडवर्टीजमेंट, इसका मतलब कम होगी। हमें ए ए की कैलकुलेट कर रहे हैं, हम सिर्फ ए का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ हमें ए को ही देखना है इस टाइम। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है 8,000 का, ए का शेयर है 5/10 8,000 है ना, यस। उसका शेयर आ जाएगा हमारा 4,000, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ऑन द परचेज ऑफ लास्ट ईयर फोर ईयर प्रॉफिट। तो हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इज इक्वल टू ए पी इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हमें ए पी तो गिवन नहीं है इसलिए हम ए पी कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रॉफिट, ए पी का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का प्रॉफिट है, कितना है 8,000 प्लस 12,000 लास्ट थ्री ईयर्स है बेटा, तो टोटल प्रॉफिट थ्री ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, और 7,000 अपॉन में 3, ठीक है, नंबर ईयर ऑफ 3 हो गए तो 27 आ जाएगा यहाँ पर अपॉन में 3, ये आ जाएगा 9,000। ये क्या आ गया मेरा ए पी, तो गुडविल कैलकुलेट कर लोगे आप, गुडविल इज इक्वल टू ए पी इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 9,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है आप लोगों को, 4 ईयर परचेज, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000, ठीक है। अब गुडविल में क्या करेंगे, उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, उसका शेयर है कितना 5/10 18,000 आ जाएगा उसका शेयर।
अब क्या करना है आपको, क्योंकि न्यू रेशो दे रखा है हमें, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, गेनिंग रेशो। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट अब किस रेशो में होगा, हमेशा गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। डेथ किसी हुई थी, ए की, तो इनका ओल्ड रेशो गिवन है आप लोगों को। ओल्ड रेशो है 5:3:2 और न्यू रेशो गिवन है आप लोगों को 7:3। ए को हटा दो, सर्कल कर लो, याद रह जाएगा आप लोगों को। तो न्यू रेशो क्या है, 20, गेनिंग रेशो आएगा 7/10 माइनस 3/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/10। अगर गेनिंग का फॉर्मूला है और पॉजिटिव डिजिट है, इसका मतलब गेन ही है वो, और गेन ऑलवेज डेबिट। ठीक है, सीज शेयर देखेंगे क्या कर रहा है वो, गेन या सेक्रीफाइस -2/10, तो ये भी 1/10 पॉजिटिव डिजिट आई है इसलिए गेन, और इसका मतलब ये भी डेबिट। तो 18,000 को कौन से वाले शेयर में, ये अपने गेनिंग रेशो में 18,000 को किसको दे देंगे, जो भी उसका गुडविल का शेयर है, जो भी डिसीज पार्टनर है। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री देखूं, तो क्या होती है जर्नल एंट्री, जो जा रहा होता है वो क्रेडिट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो बीज कैपिटल अकाउंट अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू सीज, सॉरी बी और सी और ए जा रहा है, ए की डेथ हुई है, एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, कितना 18,000 को 4/5 करूँगी अगर मैं, तो कितना आएगा, 14,400 तो एक का आ जाएगा, मतलब बी दे रहा है कितना, जितना वो कितना गेन कर रहा है फ्यूचर में ये, तो ये किसको दे देगा, ए को। और सेकंड वाले का, क्योंकि 1/5 करूँगी, तो 3,600 ही आएगा, टोटल आ जाएगा 18,000। तो मैंने सिर्फ आपको एक स्टेप बताया, वरना आप जिसको, मतलब आप लेवल जब बढ़ जाएगा ना सेकंड टाइम जब आप बुक करोगे, तो आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो कि हमें पता है दोनों गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बीज कैपिटल, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है ना बी की वजह से, बाय सीज कैपिटल अकाउंट सी की वजह से, कितना, ए की वजह से, बी की वजह से हो रही है 14,400 और इसकी वजह से 3,600, टोटल मिल गए उसको कितने, 18,000। ये किसके हैं, गुडविल के, गुडविल। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा था 7,000 जो प्रॉफिट है ना, वो भी वो लेके जाएगा, लेकिन नया रेशो दे रखा है इसलिए वो भी गेनिंग में बटेगा। तो देखो 7,000 तो टोटल प्रॉफिट है, उसका शेयर कैलकुलेट कर लोगे आप, 3,500 आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, 3,500 क्यों आएगा, 7,000 5:10, और प्रॉफिट में तो क्योंकि इसमें सेल्स बेसिस नहीं है, तो मंथ भी मैटर करते हैं, कितने मंथ का कैलकुलेट करोगे आप प्रॉफिट, 6/12। तो आप चाहते तो यहीं पे ही 7,000 ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल प्रॉफिट ये है, उसका शेयर ये है, और कितने महीने का मिलेगा उसे, सिर्फ 6 मंथ का कैलकुलेट, क्योंकि सितंबर तक वो जिंदा था, तो सितंबर तक ही उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो इसे डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वरना इसका हाफ़ करोगे तो वो आ जाएगा 1,750। इनको कैलकुलेट, तो मतलब उसका शेयर कितना है प्रॉफिट का, 1,750, और उसे देगा कौन, क्योंकि गेनिंग रेशियो दे रखा है इसलिए, सिर्फ गेनिंग नहीं होता तो पी एंड यहाँ पर आ जाता बाय पी एंड एल सस्पेंस 1,750, बट क्योंकि न्यू रेशियो दे रखा है और आपको रूल पता है, जब भी न्यू रेशियो गिवन होगा आप लोग डायरेक्ट इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप कैसे करोगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल, गेनिंग रेशियो में बटेगा ये, अकाउंट डेबिट टू जो भी जा रहा था एज कैपिटल अकाउंट डिसीज पार्टनर, कितना, इसको तो मिलेंगे 1,750, लेकिन इस टाइम वो रेशो में देंगे। 1,750 को 4/5 करोगे, 15, 16, 17, 25, 30, ये आ जाएगा 0, 1,400, ये वाला तो आ जाएगा 1,400, और सेकंड वाला क्योंकि 1 है तो 350, टोटल आ गया 1,750। तो जब इसे ट्रांसफ़र करेंगे कि ए की कैपिटल, ए को प्रॉफिट मिलेगा, कौन देगा, बी और सी, तो ए की कैपिटल तो इंक्रीज होगी क्योंकि क्रेडिट हो रही है, लेकिन किसकी वजह से, बाय बीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज
कैपिटल अकाउंट, इसकी वजह से 1400, इसकी वजह से 350, क्या लिख लो यहाँ पर प्रॉफिट, आपको याद रहे ताकि, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। बस और कुछ बचा ही नहीं है बेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, हमने सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। रिवैल्यूएशन की कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रखी, अगर रिवैल्यूएशन भी होता तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाता, लेकिन ना कोई ऐसा बढ़िया ना कम हुई है इसलिए कुछ दे ही नहीं रखा। तो इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आएगा, 24,000। मैं कर लेती हूँ, आपका टाइम वेस्ट होगा, एक मिनट बेटा, एक एंट्री तो रह गई है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया क्वेश्चन तो, लेकिन ये एंट्री रह गई थी गलती से, 12% है, ठीक है, कितने परसेंट है, 12%। तो हमारा इंटरेस्ट है कितना, कैपिटल थी हमारी 24,000, उस पर 12% करोगे आप और कितने मंथ का, 6 मंथ का इंटरेस्ट मिल जाएगा उसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बस मैंने ऑरली बता दी थी बट यहाँ पर रिटर्न में लिखी नहीं थी, 0, 12 से 12 ये आ जाएगा 1440, और जब इनको टोटल करोगे आप आ जाएगा 48,190, उसमें से आप 4,000 को माइनस करोगे तो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में आ जाएगा, एज अकाउंट कितना, 48,000 में से 4,000 माइनस करोगे 44,190 आ जाएगा आप लोगों का आंसर, 48,190, ठीक है बेटा। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री रह गई थी सबसे पहले, लेकिन वही दे रखा है इसलिए करने के बाद एक बार चेक जरूर कर लिया करो, हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, गुडविल हो गया, प्रॉफिट हो गया और रिजर्व हो गया और एडवर्टीजमेंट और बैलेंस, बस यही आना था, क्योंकि जो एसेट और लाइबिलिटी होती है उन्हें इग्नोर कर देते हैं, वो तो रिवैल्यूएशन में जाती हैं, अगर कोई एंट्री होगी तो हम करेंगे, ठीक है बेटा। हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, ये लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो बेटा प्लीज़, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से जल्दी से, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी सा है, फटाफट करा देती हूँ। राम घनश्याम एंड वरिंदा वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ ये, तो ये रेशो दे रखा है, बुक लोन ऑन 31 मार्च एवरी ईयर ऑन द 1st फेब, उसकी डेथ कब हुई है, 1st फेब घनश्याम की डेथ हुई है, घनश्याम है ये बीच वाला है, ठीक है, और उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया है कि वो इक्वल लेंगे, तो ओल्ड भी दे रखा है न्यू भी दे रखा है, इसलिए गुडविल का ट्रीटमेंट भी प्रॉफिट का ट्रीटमेंट भी दोनों गेनिंग रेशो में होंगे। कह रहा था पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज गुडविल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 complete years। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा, उसने कहा है सारे 4 years का जो प्रॉफिट है ना उसका हाफ उसकी गुडविल है, एवरेज प्रॉफिट का नहीं, टोटल प्रॉफिट का, 4 year का प्रॉफिट का हाफ उसकी गुडविल है, क्लियर हो गई बात, ठीक है, और 4 years का प्रॉफिट आपको गिवन है, ये तो गुडविल आ गई, गुडविल में उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ वाज बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 year, लेकिन यहाँ पर लास्ट 2 year मतलब ये वाले लास्ट, 40 + 80 = 120, एवरेज प्रॉफिट 2 year है तो 120 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 60,000 क्या आ जाएगा उसका प्रॉफिट में शेयर आ जाएगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं पहले तो, ठीक है, और क्योंकि प्रॉफिट में डेट भी मैटर करती है ना, क्योंकि यहाँ पर सेल्स बेसिस नहीं है, नॉर्मली टाइम बेसिस है, तो डेट भी मैटर करेगी, हम कैलकुलेट करते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं। और क्या कह रहा है, सिर्फ जर्नल एंट्रियाँ करनी है आपको, क्लियर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 65 होगा, तो यहाँ पर कहेंगे आप ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कौन कौन है, राम घनश्याम और वरिंदा, क्या है 4:3:1 और न्यू रेशो क्या है हमारा, ये है ओल्ड रेशो और न्यू कह रहा है इक्वली, तो घनश्याम तो जाएगा तो ये हो गया 1:1। हम फॉर्मूला करेंगे, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो क्या है किसका, राम का,
राम शेयर देखेंगे हम कि क्या वो गेन कर रहा है, कितने शेयर से गेन कर रहा है। वो न्यू है हमारा 1/2 माइनस 4/8, ऐसे हम आ जाएगा 8, 4-4, अब ये तो 0 आ गया, मतलब नील। राम्स का कोई भी एंट्री नहीं होगी, ना राम को प्रॉफिट में कोई गेन मिल रहा है, ना ही गुडविल में कोई गेन मिल रहा है, इसलिए इसको कोई भी, ये कहीं भी इसकी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। दूसरा देखेंगे वृंदा, वृंदा शेयर क्या कर रही है, वो गेन कर रही है या क्या, 1/2 माइनस, ये न्यू है माइनस ओल्ड, 1/8, 8 LCM आ जाएगा आप लोगों का, 4-1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/8, क्योंकि पॉजिटिव डिजिट आई है और हम गेनिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसका मतलब इसका गेनिंग रेशो आ जाएगा, और गेनिंग ऑलवेज डेबिट, मतलब वृंदा हमेशा गेन कर रही है और राम कोई ना गेन ना सेक्रीफाइस, 0 है, नील है उसका अकाउंट। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो अब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल, हमें गुडविल बांटनी है और प्रॉफिट बांटना है, तो एंट्री तो हमें पता लग गई कि वृंदा डेबिट होगी और जो जा रहा है घनश्याम, दोनों ही कंडीशन में वो क्रेडिट होगा, क्योंकि सिर्फ वृंदा गेन कर रही है दोनों ही कंडीशन में, तो गुडविल में भी एंट्री क्या होगी, वृंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, और प्रॉफिट के लिए भी वृंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, दोनों कंडीशन में वृंदा ही डेबिट होगी। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब हम गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। वो कह रहा है लास्ट 4 ईयर्स का हाफ, तो गुडविल क्या है, 4 ईयर का है, 120 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 80, उसका हाफ कह रहा है, तो 2 लाख, और यहाँ पर आ जाएगा 320 अपॉन में 2, टू लैख 40,000, 320,000 का हाफ आ जाएगा, तो 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 में हम किसका शेयर कैलकुलेट करेंगे, जो जा रहा है, जा कौन रहा था, घनश्याम, 3/8, तो ये आ जाएगा 60,000 गुडविल, इसका मतलब गुडविल का उसका शेयर कितना बनता है, 60,000 गुडविल में, क्योंकि डेट मैटर नहीं करती, सिर्फ किस में मैटर करती है, एक तो इंटरेस्ट मिलेगा अगर उसे किसी चीज़ पे, तो वो जब तक जिंदा था तब तक का मिलेगा, दूसरा प्रॉफिट भी उसे टिल द डेट, जब तक वो जिंदा था तब तक। ठीक है, दोनों चीज़ों में मैटर करती है गुडविल में, कभी भी डेट मैटर नहीं करेगी कि वो सेप्टेम्बर में उसकी डेथ हुई या क्या, उसका शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, 60,000, तो जो गेन करना है वो पार्टनर 60,000 कौन लेके जाएगा, घनश्याम, और देगा कौन, वृंदा, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, वृंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, 60,000 और 60,000। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद बचा प्रॉफिट, अब प्रॉफिट में क्या कह रहा है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, कोई पेज है, ये तो फेल हो गया, चलो मैं बता देती हूँ। अब वो प्रॉफिट में क्या कह रहा था, प्रॉफिट 2 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे है, तो यहाँ पर ही कैलकुलेट कर दूँ मैं, एक मिनट, चलो हमें एंट्री तो पता ही है, जो भी गेन कर, जब भी नया रेशो दे रखा होता है तो P&L सस्पेंस की जगह कौन आता है, गेनिंग पार्टनर्स, तो एंट्री तो यही होगी, वृंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट में उसका शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कह रहा है 2 ईयर्स का परचेज, तो 80,000 AP क्या आएगा, 80,000 प्लस 40,000, तो यहाँ आ जाएगा 120, और क्योंकि 2 ईयर का है डिवाइड बाय 2, तो 60,000 आ गया हमारा AP, कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट 2 ईयर्स का, 60,000 आ जाएगा। अब उसका शेयर और टाइम पीरियड दोनों मैटर करते हैं, ठीक है, उसका शेयर और टाइम पीरियड, उसका शेयर कितना है हमारा, 3/8, ठीक है, और टाइम कब उसकी डेथ हुई है, फेब में हुई है, तो फेब तक का उसे प्रॉफिट मिलेगा, तो यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मंथ्स का, 10/12, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो अब कैलकुलेट करते हैं, अब हम 4, ठीक है,
थर्ड तो चुके हैं, दो पंजे दस, ये आ जाएगा हमारा ज़ीरो, एटीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी। तो कौन देगी? वृंदा देगी, क्योंकि सिर्फ गेन वही कर रही है, एटीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी। ठीक है, देखो एपी कैलकुलेट कर रहा है नंबर ऑफ, मैं यहाँ पर कर देती हूँ एपी, वो कह रहा है टू ईयर परचेज, तो 80,000 और फर्स्ट ईयर का 40,000 है, टू ईयर परचेज है तो टोटल टू ईयर और डिवाइड बाय टू 120 और डिवाइड बाय टू करोगे तो 60,000 आ जाएगा। ये हमें पता लग गया प्रॉफिट आया है, ये क्या आया प्रॉफिट, प्रॉफिट में उसका शेयर और टाइम पीरियड, 60,000 में उसका शेयर है 3/8 और टाइम पीरियड क्या है वो 10 मंथ, 10/12 तो कैलकुलेट करोगे 18750 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट एंट्री और ये आ गया हमारी सेकेंड एंट्री, बस ये क्वेश्चन था, एक बार देख लो आप लोग। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है नहीं कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें। ठीक है बेटा, थैंक यू।